ओम शांति। 11 मार्च 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारा। अब बस कुछ और चाहिए बताओ। इसलिए विकारों का संन्यास करो, जो भी गंदी आदतें हैं, बुराइयां हैं, उनका संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ, अपने को छुड़ाओ। प्रश्न, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहते? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहते? किनको सहारा देते होंगे? बाप का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाप की हर डायरेक्शन पर चलते हैं, जो बाप की हर डायरेक्शन को अपने जीवन में अमल में लाते। बाबा उनसे राजी रहता है। यह दो बातें विचार करने वाली होंगी। एक, बाबा कोई सहारा देता है? देता है। बाबा ने रास्ता दिखाने का सहारा दिया। अब उस रास्ते पर चलेंगे तो मिलेगा, फायदा होगा, नहीं चलेंगे तो फायदा। बाबा ने कोई सहारा नहीं देना, बाबा सिर्फ रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। उस रास्ते पर चलकर आप अपना भाग्य श्रेष्ठ बना पाते हैं, दुखों से मुक्त कर पाते हैं, ये आपका अपना पुरुषार्थ। दूसरी बात, उनसे बाबा राजी रहता है। क्या बाबा किसी और से नाराज होता है? जब किसी से वो नाराज नहीं होता तो उनसे राजी रहने वाली बात क्या है? तो बाबा का कहना मानते हैं, तो बाबा तो नाराज होता नहीं, चाहे बालक कहना मानो चाहे बालक कहना ना मानो। फिर राजी होने वाली बात बाबा ने क्यों कही? खुश करने, बच्चों को खुश करने। बाकी बाबा कभी राजी नहीं और कभी नाराज। वो जानता है कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, मैंने कहना है, जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है वो नहीं कर। हर आत्मा ने अपने रोल के मुताबिक बात को समझना है, बात को अपने जीवन में लाना है। रोल में नहीं है तो नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, आप कुछ भी कर लो। तो बाबा को तो मालूम है, बाबा कभी हलचल में नहीं लाता आता, इसलिए कभी नाराज भी तो राजी भी होने का कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए बाबा कहते बाबा राजी। बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे पवित्र बन फिर सर्विस करो।
पहले बाबा की श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो और फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना, कभी भी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता, बाप उनसे क्या रहता, राजी रहता। क्या करेगा राजी रह करके, बाबा को कोई फर्क, अगले काल्प ड्रामा हू बहू, उसने फिर हमें चुनना है, फिर हमने अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने आप को बना, ड्रामा एक्यूरेट चलना है। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहां ज्ञान सुन रहे हैं, किसका किसका ज्ञान सुन रहे हो भाई, हां जी, क्या शास्त्रों का, नहीं शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाया जा रहा। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, एक शास्त्र खत्म हुआ दूसरा तीसरा चौथा, दुनिया भर के शास्त्र हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। हमको यहां परम पिता परम आत्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। जैसे बाबा कहता है, ऐसे कोई भी जितने भी चाहे सन्यासी हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, जो भी हो, वो इन शास्त्रों को पढ़ करके ही बात करते हैं ना, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्यों द्वारा दिया गया ज्ञान, और ज्ञान को लाइट कहते हैं। जब ज्ञान को लाइट कहते हैं तो लाइट माना पवित्र, लाइट माना शुद्ध सच्चा। जब तक ज्ञान में लाइट नहीं, सत्यता नहीं, प्रकाश नहीं, तो वो ज्ञान नहीं। तो किसी भी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान क्या है, अज्ञान। बाबा कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य संपूर्ण शुद्ध पवित्र सत्य ज्ञान दे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। कोई ना कोई बैठा है, उसको कह देंगे पंडित जी, शास्त्री जी, महात्मा जी, गुरु जी, जो भी नाम दे, नाम का तेलुक रखते हैं। मनुष्य के साथ यहां बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परम आत्मा, निराकार परम पिता परम आत्मा ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। ये बातें और कोई भी सत्संग में नहीं सुनाते, ये बातें और कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती।
भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती, ये बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वे कोई मनुष्य व देवता नहीं, ना वो मनुष्य है ना वो देवता है। बल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है। देवी देवता तो सतयुग में होंगे, अभी कोई देवी देवता है नहीं, बाकी सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु ये सूक्ष्म वतनवासी तीन गाए जाते। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब हैं देवी गुण वाले मनुष्य, देवी गुण वाले मनुष्य, इसलिए उनको देवता कहते हैं। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो सिर्फ सूक्ष्म वतनवासी हैं, और ये कोई देने वाला काम नहीं, क्योंकि देने के लिए तो कुछ भी दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, साकार वतन में शरीर के द्वारा, सूक्ष्म वतन में क्या दिया जाता है, संकल्प प्रेरणा, संकल्प भी। कि बाबा आज मैं एक पढ़ रहा था, बहुत वंडरफुल लाइन है कि विनाश कराने वालों का कोई दोष नहीं, क्योंकि उनको मैंने प्रेरित किया, से बाबा ने अपने ऊपर लिया, उसमें मैंने प्रेरा है उनको, मेरी ये प्रेरणा भी ड्रामा में नूंद है, उनका पार्ट भी नूंद है, मैंने प्रेरणा भी देनी है और उन्होंने वो तैयार भी कर, और ऑटोमेटिक ब्रह्मा शिव बाबा को कोई भी संकल्प करने के लिए भी सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का ही लेना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, चाहे वो शंकर का रूप हो तो चाहे विष्णु का रूप हो तो चाहे ब्रह्मा का रूप, परंतु ये तीनों रोल करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के रोल में केवल जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं वो पहचानेंगे, उनको उनको दिखाई देगा वो पहचानेंगे, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नहीं है वो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में यदि दिखाई देवे उनको क्या पता कौन है, क्या कहें, उनके लिए कौन हो गया वो शंकर, क्योंकि ब्रह्मा वत्सों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को साक्षात्कार होगा, ध्यान में जाकर देखेंगे तो किसको देखेंगे, ब्रह्मा बाबा को देखेंगे और पहचानेंगे, या ब्रह्मा बाबा ने किसी को टचिंग करनी है प्रेरणा देनी है सूक्ष्म, तो उन्हीं को ही दिखाई देगा, उन्हीं को ही समझ में आएगा कि बाबा ने आकर हमारे साथ ऐसा संदेश दिया, और नहीं तो विनाश के जो साधन बनाने वाले हैं उनको दिखाई देगा तो उनके लिए क्या होगा, वो उनको प्रेरणा देने वाला कौन होगा, शंकर, और स्थापना के कार्य वालों के लिए, क्योंकि स्थापना का कार्य करने वाले कौन है, एडवांस पार्टी वाले, एडवांस पार्टी वालों को विष्णु के रूप में ही उनको, वो ब्रह्मा को नहीं जानेंगे वो शंकर को नहीं जानेंगे, क्योंकि स्थापना का कार्य वो कर रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग्स बनेंगी कैसे मकान बनेंगे कैसे शहर होगा कैसे क्या क्या होगा वहां क्या क्या सुविधाएं चाहिए,
उन सबको बनाने का कार्य भी वो साइंटिस्ट करेंगे, तो उनके लिए वो रूप होगा विष्णु का। बाकी विष्णु को चार भुजा वाला जाके उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चार भुजा वाला विष्णु किसको दिखाई देगा? केवल ब्रह्मा कुमार, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है। तो ये तीनों के तीनों सूक्ष्म वतन वासी देवताएं हैं, जो प्रेरणा देकर स्थापना, विनाश और पालना का कार्य करते, उसके लिए प्रेरणा देते हैं। ये प्रैक्टिकल तीनों कुछ नहीं कर सकते, ये खुद ये कुछ भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे को करने के लिए कह सकते। और करना हो तो आधार लेना पड़ेगा, परकाया प्रवेश करके कर सकते। ऐसे ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार के तन में आकर, दादी प्रकाशमणि दादी गुलजार के तन में आकर अपना पार्ट। उन्हों का तो नाम गाय आ जाता है, लक्ष्मी नारायण आदि सब ये हैं देवी गुण वाले, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम गाय आ जाता है कि ये इस समय क्या हैं? देवता हैं। पर तो देते क्या हैं ये मालूम होना चाहिए। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वे तो समझते हैं फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ किताब का नाम बताएंगे ना। बाप कहते मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूं। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो, फिर कहते हो पतित पावन आओ, सर्व का दुख हरता सुख करता आओ, वे है सर्व को का शांति दाता, सर्व का जीव मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, वे तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वे तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहां सब जगह भक्ति ही भक्ति है, सब जगह क्या है? भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान, दोनों में से एक होगा। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन। द्वापर कलयुग है भक्ति, सत्युग त्रेता है, हां जी ऐसे बोलेंगे, द्वापर कलयुग भक्ति, सत्युग त्रेता ज्ञान की प्रालत, ज्ञान नहीं, सत्युग त्रेता में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं होता, किन को ज्ञान होता है? ज्ञान कब होता है? तो वैराग्य कब होता है? फिर
फिर ज्ञान कब होता है? सत्ययुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध, द्वापर कलयुग भक्ति, और संगम पर ज्ञान के आधार से वैराग्य होता है। जब तक बाबा ज्ञान ना दे वैराग्य आ नहीं सकता। दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु ये नहीं जानते ये वैराग्य कहां से आता है, कौन दिलाता है, कब दिलाता है, कैसे दिलाता है, ये दुनिया वाले नहीं। वैराग्य किस से? अभी दो दिन पहले काल परसों की मुरली में था ये, भक्ति और पुरानी दुनिया से। बाबा आकर ज्ञान देते जिससे वैराग्य आता भक्ति और पुरानी दुनिया से। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ सबसे वैराग्य क्या जाता है? हम आत्मा कथा सबसे वैराग्य, बाकी कुछ भी हमारा कुछ नहीं, बस। वो ज्ञान का सागर ही फल देता है। ज्ञान का सागर ज्ञान देता है या फल देता है? फल ऑटोमेटिक उसे मिलेगा जो कर्म करेगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा तो बाबा की श्रीमत वाला फल मिलेगा, और रावण की मत पर चलेगा तो रावण की मत वाला फल मिलेगा। फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा वही पाएगा। कांटे बोएगा तो फूल तो नहीं मिलेंगे। भगवान वर्षा देगा किसका? मुक्ति का। भगवान वर्षा देते हैं किसका? देते हैं मुक्ति, क्योंकि वो बाप है, वो खुद मुक्त है, तो वो हमें मुक्त होने का वर्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिससे हम भी बाप समान एक बार तो मुक्त हो जाते, वो भी परम अवस्था में और हम भी परम अवस्था। चाहे प्यार से जाएं तो चाहे मार खा के। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा, क्योंकि बाबा छोड़ के नहीं जाएगा किसी को भी, हर आत्मा को बाबा साथ में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं। क्या हालत होती जा रही है? जब आप देवीला इसमें ज्योति पार्क में आए थे क्या हालत थी, और अब क्या हालत है? और कितने मंजिले मकान बनते जा रहे हैं, 50-50 मंजिल, 100-100 मंजिल, जमीन है ही नहीं। हाँ, कोरोना में कुछ तो कम है, कम तो नहीं हो सकते, ला तो नहीं है, कम क्या हुए? इधर से घर कमरा छोड़ा, दूसरे कमरे में जाके पैदा हो गए। पॉपुलेशन तो आत्माएं तो कम नहीं हो सकती, जनसंख्या कम नहीं हो सकती, जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जितनी आत्माएं परम धाम में, उन्होंने भी आके शरीर लेना है। इस समय इतने मनुष्य हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इतने लोग पेट भर खाना खाए बिना सो। अब तो भाई साहब आज छुट्टी होगी, और आएंगे अभी। अब आत्मा हो रही है कि आज छुट्टी होगी? आ रही है, अभी तो आएंगे, अभी आएंगे।
बढ़ाएंगे, बस इलेक्शन खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अब बढ़ा देंगे। कल कोरोना में समीक्षा कर रहे थे, कोरोना भी वो कर देंगे, तब आ जाएगा। इतने हो गए जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग, दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो, अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक है, सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता, सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा, पांच विकारों का सन्यास किया हुआ है। नंबर वन विकार है काम, और क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते, मतलब स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और विकार में ना जाएं, ये हो नहीं सकता। शादी का मतलब ही यही है। सतयुग में ये कायदा नहीं, सतयुग में शादी होती है परंतु वहां ये कायदा। बाप समझाते हैं वहां पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे, तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया, मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम आपस में भाई बहन ठहरे, भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा ना सके। भाई तुम साकार में यदि कहते हो, पति भी कहता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, पत्नी भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो जिस भगवान के दोनों बच्चे हैं तो क्या हो गए, वो भाई बहन हो गए। चाहे वो राम को कहें, चाहे वो कृष्ण को कहें, चाहे हनुमान जी को कहें, चाहे गणेश को कहें, किसी को भी कहते हो, तुम उसे अपना बाप मानते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हो,
ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान है, और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूं, अब जो मेरे आकर बनते हैं वे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा ना सके। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार को त्याग कर। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, कोई टेम्पटेशन। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वे कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। मंदिर में पूजने लायक हैं देवताएं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहां हमको पवित्र शरीर मिल न सके, ये तो तमो प्रधान पतित शरीर है। पांच तत्व भी पतित हैं, वहां आत्मा भी पवित्र रहती है, तो पांच तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना, ये तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते। इस समय मनुष्यों की बुद्धि भी तमो प्रधान है, सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए, नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, पावन। ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं। अब तो कोई एज का राय नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की कंप्लेंट्स टेलीविजन ने और यूट्यूब ने तो बेड़ा गर्क कर। क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है। पतित जरूर बनना, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं, अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। बल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म को 2022 साल हो गए, परंतु ये कब खत्म होगा, क्योंकि जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित होगा, ये नहीं जानते कब खत्म होगा। और सनातन धर्म वाले क्या कहते हैं, 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 साल में जगह
पूरी नहीं रही तो 40,000 साल में पता नहीं क्या होगा। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला इन बातों को समझ कदम कदम श्री मत पर चलते, क्योंकि शास्त्रों की बातें उनके दिमाग में बैठी हुई है। श्री मत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों की को सारी दुनिया पूजती है, वे अब तुम बन रहे हो, ये तुम ही जानते हो। सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है, घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं। वे कहीं जाएंगे 2 साल 4 महीने 6 महीने साल कहीं भी दूर चला जाए, 5 साल बाद 10 साल बाद वापस आए, दूसरे देश में चला जाए तो खुशी होती है ना कि हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की, पता भी होता है चलो पैसे कमा के घर जाएंगे, है नहीं, बुद्धि में रहता है, इसलिए घर को भूलते नहीं। और ये तो कितनी बड़ी मुसाफरी है, 5,000 साल भूल गए अपने घर को। अब कहो कि घर चलना है, नहीं, घर जाने को भी तैयार नहीं है इतना, क्योंकि वो 5 साल 10 साल की, मतलब समझो 20 साल की लगा लो, कोई कहीं किसी दूसरे देश में चला गया है तो वापस अपने वतन में लौट आए। कईयों को तो आने का दिल ही नहीं करता, क्या करना है वहां जाके, है नहीं, वहीं पर ही रहते हैं, ठीक है भाई। तो अब जिनका होता है या आते हैं उनको खुशी होती है, वो तो हमें 5,000 साल हो गए भूल भुला गए कौन सा घर है कैसा घर है। इसलिए घर को तो बिल्कुल ही सारे कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर। परंतु वंडरफुल बात है कि कोई नहीं जानता कि घर कहां है। अब बाप ने आकर बताया कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर, क्या है ये बताओ, इसके लिए भी दुखी हो, क्यों हो भी दुखी, सड़ी हुई दुनिया सड़ा हुआ शरीर, इससे प्यार मत रखो, इससे प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूं, तब तो मैं आया हूं, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ, क्योंकि सारे संसार की आत्माओं का एक साथ अकाउंट पूरा होता है। इस नॉलेज को धारण करना है, सारी नॉलेज बुद्धि में है, बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक मालिक बन जाते हो, और विश्व भी नहीं बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं, जो भी
कर्म कांड की वस्तुएं हैं, सबको खत्म करना है, फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। सब घर हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में निकलते हैं। जब दुखी होते हैं ना तब मुंह से निकलते, सतयुग में नहीं निकलेंगे। क्यों? दुख की बात ही नहीं है। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे, यह समझते भी श्री मत पर ना चले तो उनको क्या कहेंगे? महामूर्ख। महा ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क है। अब जज करो कि हम किस तरफ हैं, हम ईश्वरीय मत की तरफ हैं कि आसुरी मत की। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, सोच लो। आसुरी मत पर चलेंगे तो दुख ही दुख है, और ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। आप सोचो किधर जाना है। बाप कहते हैं श्री मत पर चलने चाहो तो चलो, चलना चाहते हो तो चलो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। कि काम पर जीत पहनो, उनसे भी पहली बात है, उनसे भी पहले काम पर जीत पाने से भी पहले कौन सी बात है? मुझ एक बाप की श्री मत पर चल, मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूं, वहां सतयुग में समझते हैं ये बुढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे, इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, ये सब बातें ध्यान में रहें तो अहो सौभाग्य कितना सहज है। फिर भी पता नहीं। स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हो? याद क्यों नहीं करते? क्योंकि संग दोष में आकर गंदे बनते, गलत संगत में पड़ गए तो गंदे बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना, ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो। बाबा ये विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाए।
उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाए, इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है, जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि ये बड़ा अजामिल है, बाबा का बच्चा बना फिर विकार में चला। पाप आत्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते। बाइस्कोप सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हां, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। ज्यादा नहीं दुख देना बच्चों को। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा सहारा होता है सुख में ले जाने का। सहारा होता है किसी को सुख में ले जाओ। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे, अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। जरूर वे नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा कैसे, वे भी कोई समझते नहीं। वे भी दुनिया में कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। था तो सही ना, अब नहीं है। था तो सही ना, वही भारत जो पूज्य था वे पुजारी बना है। फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानोवाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वे टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटेच हो जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती। थक जाती है तो आत्मा क्या होती है? थकता कौन है, आत्मा या शरीर? शरीर थकता है। शरीर थक जाता है तो आत्मा शरीर को न्यूट्रल में कर क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। तुम्हारा भी यहां होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे। तो तुम हो चाहे कहीं भी, परंतु बुद्धि का योग
वहां लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आए। सवेरे सवेरे सोचा कि मैं बाबा की श्रीमत पर ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, तो जब वो काम करेंगे तो बाबा की याद में रहेगी ना। ये कमाई है, जितना याद करेंगे, जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? विकर्मा जीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है, योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना, ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से क्या होने का अभ्यास करना है? डिटैच होने। क्यों क्यों डिटैच होने का अभ्यास करना है? आज बाबा ने कि नींद में चले जाते हो परंतु जागते हुए शरीर से अलग होने का अभ्यास। बात समझ में आई है? नींद में तो आप शरीर को छोड़ देते हो, तो जागते हुए भी शरीर को छोड़ सको। जब चाहो तब छोड़ सको, जब चाहो तब छोड़ सकने का मतलब समझ रहे हैं? सो जाओ, जब चाहो तब सो जाओ, क्योंकि सोना पड़ेगा ना शरीर छोड़ने के लिए। ऐसे तो शरीर से अलग नहीं होंगे, ऐसे तो शरीर से अलग नहीं होंगे। ये तो है नहीं कि हम काम भी करते रहो और शरीर से अलग हो जाए। आपको जब चाहो तब सो जाओ, बाबा की बातें याद करते करते शरीर से अलग। हाँ, ध्यान में होता क्या है? ध्यान में और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने राधा स्वामी सत्संग में बहुत सारे भाई बहनों को देखा गिरे पड़े होते। उनको ध्यान की इतनी आदत पड़ गई होती है, इतनी आदत पड़ गई होती है कि सत्संग चल रहा है और वो ध्यान में चले और ध्यान में वो बैठे रहते हैं। यदि कोई हाथ लग गया तो वो गिर जाते हैं, जैसे मर गया हो, परंतु वो सोए हुए होते हैं। तो आत्मा डिटैच हो गई है, उसे कहते हैं ध्यान। मतलब ये शरीर छोड़ने का अभ्यास चाहिए, तभी आप योग में बैठे बैठे शरीर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, जैसे सो गए, बस आप शरीर से अलग और कोई फीलिंग नहीं आएगी।
बाकियों को दर्द आएगा, दर्द शांत होगा, फिर वो शरीर छोड़कर के जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी तरह समझने की और अभ्यास करने की जरूरत है। और संकल्प करेंगे और शरीर से अलग। ब्रह्मा बाबा को भी यही हुआ कि बस ऐसे लगा जैसे मैं शरीर से अलग हो गया हूं, तो याद आया कि गुलजार भी ऐसे शरीर से अलग हो जाती है, चलो आज मैं भी शरीर से अलग हो गया। इससे पहले ब्रह्मा बाबा शरीर से अलग नहीं हुए, क्योंकि ये वाक्य ये बताता है कि जैसे दादी शरीर से डिटैच होके सूक्ष्म वतन में जाती है, आज मैं भी डिटैच होके सूक्ष्म वतन जा रहा हूं। तो ये नहीं पता था कि मैं परमानेंट जा रहा हूं, एक सेकंड पहले पता नहीं। बाबा अपना सारा कार्य करवा रहा था, यज्ञ को संभाल के देने का कार्य करवा रहा था, परंतु ब्रह्मा बाबा को एक सेकंड पहले पता नहीं था कि मैं चला जाऊंगा और परमानेंट चला जाऊंगा। शिव बाबा अच्छा है खराब है पता नहीं, लगने देता। यहां बैठे लॉ है, लॉ को देखो ना कि कानून को तोड़ता नहीं है किसी के लिए। मैं भी विशेष वो पॉइंट्स नोट कर रहा था कि न्याय ड्रामा में न्यायकारिता कैसी है। तो वंडरफुल, बाबा कहते माफी नहीं है, माफी नहीं है इसमें वरदान। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भाव। क्या बनो? यथार्थ मर जीवा भाव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना, उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं, रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता। मैंने टीवी पर देखा था रावण क्या करता है, यज्ञ किया हुआ है और तलवार उठाता है, शिव का यज्ञ रखा है, सिर काट के कुंड में डाल देता है और वही सिर उठ करके फिर दोबारा उसको लग जाता है, फिर सिर काट देता है, फिर लग जाता है। इस प्रकार 10 सिर लगते हैं और इसको देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा था जो बाबा अब कह रहे हैं, रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता। काम विकार का अभी अभी सिर काटा, थोड़ी देर बाद वातावरण बदला फिर सिर रख लिया। क्रोध का सिर अभी अभी काटा, फिर किसी ने कुछ कह दिया फिर सिर रख लिया। खत्म तो नहीं हुआ ना, लेकिन फाउंडेशन कोई खत्म कर, इन सिर लगने का फाउंडेशन क्या है उसको खत्म करो। आज बाबा कहते हैं सिर लगने का फाउंडेशन क्या है, देह अभिमान। इस देह को ही खत्म कर दो, सिर तो तब लगेंगे ना, आत्मा को तो कोई विकार आ नहीं सकते। तो
तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, माया वार नहीं करेगी। स्लोगन, सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते, जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है या कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। फोन नहीं। ओम शांति।